हेलो दोस्तों, आज कुछ मिस्टेक्स सीखेंगे जो कॉमन मिस्टेक्स होती है जिससे बहुत गलतफहमियां हो सकती है। जैसे कि मैं जो एग्जांपल बता रही हूँ, भगवान ना करे वो हो जाए, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो और किसी पे फोन पे बात करनी हो तो आप बोलोगे आई एम इन द हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। और आप किसी को एज अ विजिटर मिलने गए हो, कोई दोस्त बीमार है, हॉस्पिटलाइज है और आप मिलने गए हो, तो आप बोलोगे आई एम एट द हॉस्पिटल, मतलब मैं हॉस्पिटल में किसी से मिलने आया हूँ। ओके, तो आप खुद एडमिट है तो आप बोलोगे आई एम इन द हॉस्पिटल, और किसी से मिलने गए हैं तो आप बोलोगे आई एम एट द हॉस्पिटल, राइट। जस्ट चेक, आप सलून में गए हो और आपका हेयर कट करवा रहे हो तो किसी ने कॉल किया और आप क्या बोलोगे कि मैं बाल कट कर रहा हूँ, आई एम कटिंग माई हेयर। रॉन्ग इंग्लिश, आप खुद थोड़ी ना कट कर रहे हो, आप दूसरा कोई कट कर रहा है, राइट। तो आप बोलोगे आई एम हैविंग माई हेयर कट, आप बोलोगे आई एम हैविंग माई हेयर कट, मतलब कटिंग चल रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा, बट आई एम हैविंग माई हेयर कट। डोंट यूज आई एम कटिंग माई हेयर, नेवर, इट हैज टू बी आई एम हैविंग माई हेयर कट, राइट। क्या पसंद है, कॉफी या चाय? चाय पसंद है तो क्या बोलेगे इंग्लिश में बताओ। आई प्रेफर टी दैन कॉफी। रॉन्ग, आई प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब मुझे चाय ज्यादा पसंद है कॉफी से। या आपको अगर कॉफी पसंद है तो आप बोल सकते हो आई प्रेफर कॉफी टू टी। डोंट यूज द वर्ड दैन, आई प्रेफर कॉफी टू टी, नॉट दैन। ओके, जस्ट चेक इट आउट, मुझे मेरी कॉफी नहीं चाय पसंद है। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, और हाँ, बेल आइकॉन प्लीज डोंट फॉरगेट, एंड मस्का, टेक केयर।